नए फ्रेश और कमाल के वीडियो के साथ आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओरिजिनल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगा कि ऐसे आप किसी भी फोन के नॉर्मल से कीबोर्ड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर खुद का या फिर किसी का भी फोटो कैसे इस प्रकार से सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से नॉर्मल से कीबोर्ड में किसी का भी फोटो लगा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों के साथ आप स्टाइलिश टेक्स्ट में चैट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जैसे मैं टी के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे स्टाइलिश फंड मिलेंगे, जो भी पसंद हो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पर दोस्तों के साथ स्टाइलिश फंड में चैट भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों के पास आप बहुत सारे यूनिक और स्टाइलिश यहाँ पर स्टिकर भी सेंड कर सकते हो और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पर स्टिकर पैक मिल जाएगा और आपको अलग से कोई स्टिकर पैक डाउनलोड भी नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पर आप इंस्टेंट गूगल सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन कैसे ये आप स्टाइलिश फंड में किसी के पास मैसेज करोगे, गर्लफ्रेंड या फिर किसी का भी फोटो कैसे सेट करोगे और स्टिकर सेंड करोगे, जानने के लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को हम बड़ा से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए एंड्रॉयड कीबोर्ड। दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट जरूर से लिख कर इसे सेंड कर देना। दोस्तों किसी भी फोन के नॉर्मल से कीबोर्ड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर खुद का या फिर किसी का भी फोटो इस प्रकार से सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करना ताकि आप सही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको। सिर्फ ये एप्लीकेशन को एक बार ओपन करके इसे डिफॉल्ट कीबोर्ड में सेट कर लीजिए, पूरी एप्लीकेशन को क्लोज कीजिए और दोस्तों आप इस प्रकार से यहाँ पर कीबोर्ड में फोटो लगा सकते हो। किसी का भी फोटो सेट करने के लिए कीबोर्ड में ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर थीम के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और गैलरी से आपको जो भी फोटो सिलेक्ट करना है गैलरी से फोटो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए मैं गैलरी से एक फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ोटो को अपने हिसाब से यहाँ पर क्रॉप कर लीजिए, फिर यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि ये फ़ोटो क्लियर दिखे और यहाँ पर इसे डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ पर इसे टिक कर दीजिए। इसे टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड में ये फोटो देखिए सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल से कीबोर्ड में किसी का भी फोटो लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर भी सेंड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइलिश फंड मिल जाएंगे, दोस्तों के साथ आप स्टाइलिश टेक्स्ट में चैट भी कर सकते हो। टी के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टाइलिश टेक्स्ट हैं, बस सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इस तरीके से आप दोस्तों के साथ स्टाइलिश टेक्स्ट में चैट भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप मल्टीपल यहाँ पर मैसेज कॉपी करके यहाँ पर सेव कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये वॉइस ऑप्शन, ये बहुत सारे वगैरह वगैरह ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।